हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाद घर सा। मैं पूनम और आज मैं बनाऊंगी ग्रेवी वाले वेज मंचूरियन। रेस्टोरेंट जैसा स्पाइसी ग्रेवी वाले वेज मंचूरियन बनाना शुरू करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। ग्रेवी वाले वेज मंचूरियन बनाने के लिए हम लेंगे पत्ता गोभी। तो यहाँ पर हमने लिया है 300 ग्राम, 300 ग्राम हमने लिया है पत्ता गोभी और सभी को हम ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरीके से सभी को कद्दूकस कर लें। पत्ता गोभी को अच्छी तरीके से धोने के बाद ही ग्रेट करें। और ये देखिए, हमने 300 ग्राम पूरी पत्ता गोभी को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। पत्ता गोभी को ग्रेट कर लिया है और अभी हम इसमें मिलाएंगे नमक। 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक मिलाएंगे और सबको अच्छे तरीके से पत्ता गोभी में मिला देंगे। और अभी हम इसे रखेंगे 10 मिनट के लिए, जिससे जो भी पत्ता गोभी में एक्स्ट्रा पानी हो वो नमक के डालने से अच्छे तरीके से निकल जाए। और ये देखिए, 10 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। तो इस तरीके से हाथों की सहायता से आप इस तरीके से दबा दबा करके पानी निकाल लें पत्ता गोभी में से, या तो कॉटन के कपड़े में आप सारी पत्ता गोभी को रखें और निचोड़ लें अच्छी तरीके से। तो इतना पानी हमें निकला है पत्ता गोभी से। तो अभी ये देखिए, हमारी पत्ता गोभी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी है। तो अभी हम इसमें मिलाएंगे मसालों को। तो ऐसा ज़रूर करें, पत्ता गोभी में पानी जो भी है एक्स्ट्रा से निकाल लें। और अभी हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। और अभी हम इसमें डालेंगे 1 इंच छोटा कटा हुआ अदरक, आप उसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। 2 से 3 मिर्ची को बारीक करके डालेंगे और 2 से 3 चम्मच हम डालेंगे धनिया के पत्ते। और 1 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। 1 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, पहले भी हमने नमक डाला था तो इस चीज़ का ध्यान दें। और अभी हम इसमें डालेंगे हरा प्याज, अगर मिलता है तो ज़रूर डालें, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर आपको हरा प्याज नहीं मिलता है तो ना डालें। तो 2 चम्मच हमने इसमें डाला है हरा प्याज। और अभी हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर का आटा, या कॉर्नफ्लावर का आटा ना मिले तो आप अरारोट भी डाल सकते हैं। तो 2 चम्मच हमने डाला है कॉर्नफ्लावर का आटा, 2 चम्मच हमने डाला है इसमें मैदा और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें चावल का आटा। तो अगर आपको कॉर्नफ्लावर या अरारोट ना मिले तो आप उसकी जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं। और सबको हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। बहुत ज़्यादा मैदा या अरारोट नहीं डालना है कॉर्नफ्लावर, और बिना पानी के हमें सबको इसी तरीके से बाइंड कर लेना है। पूरे तरीके से बाइंड होने के बाद हम छोटे छोटे गोले बना लेंगे इस तरीके से। नींबू के साइज़ के हमने बनाए हैं मंचूरियन बॉल्स। तो इसी तरीके से हम सारे बॉल्स बना लेते हैं मंचूरियन के। आप चाहें तो छोटे मंचूरियन भी बना सकते हैं। और ये देखिए, हमने सभी को बना के तैयार कर लिया है। और गैस पे हमने रख दिया है कढ़ाई, उसमें हमने तेल डाला है। तेल गरम हो गया है और तेल गरम हो जाने के बाद गैस को हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। सारी मंचूरियन बॉल को हम तेल में डालेंगे और मीडियम गैस की फ्लेम पे रख करके हम अच्छी तरीके से सुनहरा गोल्डन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, इसी तरीके से आप लगातार चलाते रहें गैस को मीडियम फ्लेम पर और सारे मंचूरियंस को तल लें। तो ये देखिए, हमारी क्रिस्पी मंचूरियन बॉल बनके तैयार है। और इधर हम रखेंगे एक एल्युमिनियम की कढ़ाई, उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे और 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन और 1 इंच अदरक का काट करके डालेंगे छोटे छोटे पीस में। और मिर्ची डालेंगे तीखा जैसा आप खाना पसंद करते हो। तो यहाँ पे हमने रखा है 2 से 3 हरी मिर्ची छोटा काट लें। 30 से 40 सेकेंड तक सभी को पका लेंगे। आप जब भी मंचूरियन की ग्रेवी बनाएं, लोहे की कढ़ाई या एल्युमिनियम की कढ़ाई में ही मंचूरियन की ग्रेवी को बनाएं, नॉनस्टिक कढ़ाई यूज़ ना करें। अदरक लहसुन और मिर्ची पक चुकी है और अभी हम इसमें डालेंगे आधा प्याज। प्याज को बारीक काट लें, उसके बाद सबको अच्छे तरीके से मिला दें। और 30 सेकंड के बाद ही हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली सॉस। तो 1 चम्मच हमने डाला है ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच हम डालेंगे टमाटो केचप, 2 चम्मच हम डालेंगे डार्क सोया सॉस, आपके पास जो भी सोया सॉस है उसे डालें। और अभी हम ग्रेवी को पकाएंगे, सबको अच्छी तरीके से मिला दें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच पानी और सॉस को हम अच्छी तरीके से सभी को पकाएंगे और ग्रेवी तैयार करेंगे मंचूरियन की। तो 1 मिनट तक हमें सबको इसी तरीके से गैस को तेज करके ग्रेवी को पकाना है। और ये मेथड आप ज़रूर करें, अच्छी तरीके से सॉस पकने के बाद उसका बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, एकदम रेस्टोरेंट के जैसा। और 1 मिनट पूरे हो चुके हैं, इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा शिमला मिर्च बारीक काट करके डालें।
और हरी प्याज डालेंगे 2 से 3 चम्मच। आपको हरी प्याज मिले तो ही डालें, या बिना हरी प्याज के भी आप बना सकते हैं। अगर आप प्याज खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल भी ना डालें। और ये है 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर का आटा, और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच पानी, और सबको अच्छे तरीके से हम मिला देंगे। इससे हमारी ग्रेवी थिक हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। गैस को तेज़ कर दें, सबको अच्छे तरीके से मिला दें। फिर आधा छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे विनेगर, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार ग्रेवी में, और सबको पका लेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखें और पका लें। और जैसे ही एक उबाल आता है, एक उबाल आने के बाद हम इसमें डालेंगे मंचूरियंस बॉल जो हमने फ्राई करके रखा था। तो ग्रेवी में एक उबाल आ चुका है, और इसी समय हम डालेंगे मंचूरियंस के बॉल को, और तुरंत आप सबको अच्छे तरीके से मिलाएं और गर्मा गर्म सर्व करें। मंचूरियन आप जैसे भी बनाते हैं उसके बाद तुरंत ही सर्व करें। मंचूरियन को आप फ्राइड राइस के साथ सर्व करें या ऐसे भी खाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सिर्फ पत्ता गोभी से आप रेस्टोरेंट के जैसा मंचूरियन घर में बनाएं, खाएं और खिलाएं। आपको मेरी मंचूरियन की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर कर दें। तो जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।